1 जुलाई से GST लागू हो चुका है, लेकिन बिजनेसमैन से लेकर आम लोग अभी तक GST को पहेली ही मानकर चल रहे हैं। सभी GST को लेकर कंफ्यूज हैं। सोशल मीडिया पर भी GST पर कई भ्रम फैलाए जा रहे हैं। शंकाओं और सवालों पर रेवेन्यू सेक्रेटरी हसमुख अढ़िया ने रविवार को ट्वीट कर असलियत बताई। कहा, अफवाहों पर ध्यान ना दें। अढ़िया ने GST के बारे में चल रहे 7 मिथ काल्पनिक बातों या सवालों पर ट्वीट कर तस्वीर साफ की। मिथ, GST के तहत बिजनेस करने के लिए सभी इनवॉइस कंप्यूटर या इंटरनेट पर ही जेनरेट करने होंगे। सच्चाई, बिल को हाथ से भी बनाया जा सकता है। मित्र, GST के तहत क्या मुझे व्यापार करने के लिए हर समय इंटरनेट की जरूरत होगी? सच्चाई, इंटरनेट की आवश्यकता सिर्फ मासिक GST रिटर्न फाइल करने के समय होगी। मित्र, मेरे पास प्रोविजनल ID है, लेकिन GST के तहत बिजनेस करने के लिए फाइनल ID का इंतजार है। सच्चाई, प्रोविजनल ID आपका फाइनल GSTIN होगा। व्यवसाय शुरू कीजिए। मित्र, पहले जब मैं ट्रेड करता था वह GST के दायरे से बाहर था, क्या मुझे बिजनेस करने के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की जरूरत है? सच्चाई, आप अपना व्यवसाय शुरू कर सकते हैं और आपको 30 दिन के भीतर रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मित्र, GST के तहत हर महीने 3 बार रिटर्न फाइल करना होगा। सच्चाई, सिर्फ एक रिटर्न है, उसके 3 भाग हैं। इसका पहला भाग डीलर के जरिए फाइल किया जाएगा, 2 अन्य भाग कंप्यूटर से ऑटोमेटिक भरा जाएगा। मित्र, छोटे डीलर्स को भी रिटर्न फाइल करने के दौरान इनवॉइस के आधार पर पूरी डिटेल देनी होगी। सच्चाई, जो रिटेल बिजनेस B2C में है, उन्हें सिर्फ कुल बिक्री का संक्षिप्त विवरण देना होगा। मित्र, GST के तहत नए रेट VAT की तुलना में ज्यादा होंगे। सच्चाई, यह सिर्फ देखने में ज्यादा लग रहा है, क्योंकि पहले एक साइज ड्यूटी और दूसरे टैक्स छिपे हुए होते थे। GST में इन सब को शामिल कर दिया गया है। कुल मिलाकर जो बातें सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं, वो सभी गलत हैं। अढ़िया ने यह भी कहा कि किसी को भी GST से घबराने की जरूरत नहीं है, ये सभी लोगों के लिए अच्छा है। ये बात जानना भी जरूरी, GST का विचार करीब 30 साल पुराना है। हालांकि इसका जिक्र सबसे पहले 2003 में केलकर टास्क फोर्स की रिपोर्ट में हुआ था। 2006-07 के बजट में पहली बार UPA सरकार ने GST का प्रस्ताव शामिल किया था। 1 अप्रैल 2010 से देश भर में GST लागू करने की बात कही गई थी। 2011 में प्रणब मुखर्जी ने वित्त मंत्री रहते हुए इसे संसद में पेश किया था।